दिया जला दो। माधवाय नमः स्वाहा, गोविंदाय नमो नमः, कर्म प्रधान देवतस्य केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमो नमः। यावत् तेभ्य यजमान भालेः तिलकं कुर्यात्। स्वस्ति नरेन्द्रो रुद्रेश्वा, स्वस्ति नः पुंकायुष्मेधा, स्वस्ति रक्तारक्षो हरिप्रेमी, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातो वन्दे पुंकं। ंद्रोवासुरंत्रंदयामी रक्ष माचल माचल हस्ते मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय करुणारित्वया हस्ते त्वया अक्षत मुनिवरे स्थाप्य हतमे चावल के दाने लीजिए। सुमेशे गदंत सुरुपले वनेगा लंबोदरी चुवेदरी नाय जोनाय दबा कमरे के तुरणा दिखा वाले चुनरी आनला आते दान मन जीवे जहते यार प्रेमाय का सगर से निरंतरा संग्राम संग्राम गिरते नाय दे सकलाम मरम धर्म देवम चचे वर्णम चतुर्भुजम सरम नंदाये सर्व शक्ति ए आभिर सिद्धार्थ सिद्ध तो कुछ सुराय दरिया सर्व नरसंहार सर्व मंगल मंगल ले सुमे सर्वाचार्य चरण नेत्र मक्के गौरी नारायणी रूप सर्वदा सर्वगाधिको नास्ति ईशानोंगराय च नोगानम मंगलाय तनोरे देवलग्न सुदंत देव तारावलम चंद्रबलं देव विद्यावलम दैवबलं देव लक्ष्मी देव बल सुहासपुरामी लाभ से चांद जय सीता लुक्त से आप राजा ईशान दृष्टा मो सुदृष्टो जनाना यत्रोग श्रुपुष्टो यत्र पार्थो दुर्गा अत्र शिवि द्रवोति ध्रुवाण त्रिमत्र मम सर्वेचारम कारेशो त्रयस्वी भुवनेश्वरा देवालय सुदृष्टि ब्रह्मचांजनादना विनायक गुरुवान ब्रह्मा विश्वेश्वरा सरस्वती प्रणम्याद सर्व कार्य सिद्ध है भगवान महेश के ऊपर खाली करके भगवान के ऊपर चढ़ा दो। हस्ते अक्षत भुजों पर आप यम हम कर चले भैया अच्छे के प्रणाम किए श्रीमण महाकनाथ देवता पिणवा इष्ट देवता पिणवा कुल देवता पिणवा राम देवता पिणवा स्थान देवता पिणवा वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः सचिवनंदनाभ्याम नमः उमा महेश्वराभ्याम नमः माता पितृ अरुण कमले शर्मा सर्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। एतत् प्रणवान् महाकाले महालक्ष्मी महासरस्वती कुलस्वामिनी अम्मा जगदम्बाभ्यो नमो नमः। ज्ञानार्थे अवनार्थे प्रार्थना पूर्वकैया नमस्कुरोमि त्वया संकल्पः सीधे हाथ में जल लेना है उसमें चावल के दाने डाल लेना। विष्णु 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 श्रीमद भगवत महाविष्णु अद्य ब्राह्मण कल्प श्री देवरा कल्पे वैवस्मंत्र कलुगे कलु
रामक्षेत्रे करूचे रामक्षेत्रे दंडक कारणं देशो उदाहरणे हे चार निवासके एकोणाविशे हे द्वे चौरे चाळीस वयाः लोक्यो नाम संवत्सरे अद्यवासरा रामङ्गलप्रदे हे मासात्तमे मासेद्वया आद्रमासे हे शुक्लपक्षान्तरितृतीया एवं गुणविशिष्ट विशिष्टयाः शुभ पुण्यतिथोः बोलना है मम आत्मा स्मृति स्मृति प्राणुक्त काशुक्त पुण्य फल प्राप्तर्थम अस्मात् मम सकल कुटुम्बानां क्षेम स्थैर्य अभिः आरोग्यता सिद्ध्यर्थम दशमदिने गणेश उत्सव निमित्तक सत्यनारायण पूजनम महम नारायण अभिषेक नवग्रहादि मंडल पूजनम स्थापित देवता पूजनम महम करिष्यते। तो मिलते जो जल और पानी पानी भी छोड़ दो हाथ जोड़ के प्रणाम करो आप परिवार साध भोजन से देवा पूजन शक्ति महम कर चले भैया फिर से एक बार जल लेके छोड़ दो निप पूजयात कर्मम प्रधान गणपति देवतस्या संगत परिवार पूजन महम कर चले भैया देवा तदनंतर यावदेवतस्य संकल्प पूर्वक आया पूजन महम कर चले हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए गणपतिया नमो नमो राधेभ्यो राजदेवेभ्यो नमो नमो वीरभ्यो ईश्वरेभ्यो नमो नमः प्रार्थना प्रोगया नमस्कारोमि त्वया तदनन्तर त्वया जी भगवान का पूजन कीजिए चंद्रमा ज्योति चावल फूल लाइए वरुणस्य धर्मस्य वरुणस्य सधर्मस्य वरुणस्य सधर्मस्य त्वयम् दीप पूजनार्थे गन्धपक्षदया पुष्पैः सम्पूज्यम् परिपूर्णम् मां करिष्यते त्वया दीप भगवान को हाथ जोड़ के प्रणाम करो प्रार्थना करो कह नमस्कार चंद्र में ज्योतिर्मातों में आप भी पूर्व दिशा में प्रणाम करो सूरज भगवान यहाँ उगते हैं पात्र पूजन अहम कर सदै पात्र को बाहर से कीलन करो फूल डालो फूल से पानी का चाटा सब्जी हाथ में दे दो दुआ के ऊपर आपके ऊपर दीप पूजन महम कर अर्धना प्रभु भया नमस्कार पानी का छाटा दीजिए से ओम प्रया गणान
गणपतिगुङ्गमामय प्रियनन्त्वा प्रियपतिगुङ्गमामय निधनन्त्वा यदिपतिगुङ्गमय सुमवा आयुष्यमन्त्रम् प्रतिमन्त शुक्रत्वयः तदनन्तरत्वयः देवतस्य पुण्यवाचना कर्म प्रदानत्वयं मह दुनःपृथ्वीतलोकादेवितां यात्रा त्वां च दानं पवित्रकुशालधनत्वयम् ङ्करीश्वरे ईश्वरी सर्वधना तामियवसे अम्मा अवल्ललो तीर्थ यादेवानां पुरुका तद्वैश्वत्रेण देवलोका कल्पयन्नन् वयम् मेरे विष्णुनारायणं
लक्ष्मी गोपाल चूड़ावण से पूजयते शुद्धो वै बालत्वय चम्मच में जल लो उसमें कुमकुम डाले हिरण्य गंधर्व रक्ष दुर्देन जाता गुरु खाय तनुमया दोनों भगवान तीनों भगवान को पूजा पांच बार चला रहा है दोनों भगवान जो पा पंचम लज्जा जल शीर्षक नहीं होने गल पहले पंचम सुगंधित तेल द्रव्य अत्तर सुगंधिया सुगंधित तैलद्रव्य शेषस्थान अभिषिक्त पूजयति त्वयम् हरिओम हरिओम सह भूमिन्द शाङ्गुलपुरकेन्द्रयमृते ृदयचेण देवलोकल्पन्नदयासी सत्ताया गुरुखाय तन्वय श्रोत्रेण सप्त सुरुद्रे सप्त दुर्गा ततो विरजाचवृदधिसुखाः सजा तत्तरकपश्चवय भूमिः तद्वयश्रोत्रेण देवलोककल्पन्न अक्षरारत्नानि गलवाचवैवाचरे सरिसदाग्रहदर्शाक्रियामते वृद्धिर्लगाभक्तिगान्धे कान्तिवसुकरदा आयान्तु देव भूयात्म श्रेयस्तोष्टु शेषकारकात्मयम् भगवान् आयुष्म प्रतिवंत शुक्र आपको एक बात बोलूं।
सद्याशोक्रेण देवलोक कल्पयन् तद्वये मरुणत्तद्वाशोक्रेण देवलोका कल्पयन् तद्वयः ृंगलकाशा सौम्यं सौम्यं गणपतिपति बोधन्याय प्रणमा बोधाय नमः अवयव स्थापयामि श्रृङ्खलकाशामं रूपम् अनन्तपद सौम्य सौम्यत्वयाः देवानञ्जनश्च गुरुकाञ्चनिवां बुद्धिबुधं त्रिलोकेशम् अन्नमामि बृहस्पते बृहस्पते नमः अवयामि स्थापयामि ॐ मह हेमकृतमलारामनेक्षणमनोनौ प्रणमां तत्रायमवयव स्थापयामि सन्नो देवीरविद्यामोदे संजोरविष्णुना श्रीचरायमावयव स्थापयामि श्रृङ्खलकाशामं रूपमधिपतिपदा नारदकायमाविरचन्द्रात्यमनुतरं श्रीकागसम्भूतं तं राहुकिरणमाम्यं राहु यनवराहु आवयव स्थापयामि केतुं कृण्णन्दवे केशवर्याभिसुदेः समुद्रजायताः केतविनवाक्येतुं आवयामि स्थापयामि सति अवध्यात् प्रिय वाम असुरा चकृत्वयः नाभ्य अन्तरिक्षो न दयत्राः देवलोककल्पनदय प्राणाय स्वा अपणाय स्वा वेणाय स्वा उदराय स्वा स्मराय स्वा ब्रह्मणेभ्यो नमो नमद्वयः नाभ्येन अन्तरिक्षोन्ना तद्वाशोत्रेण देवलोकाः कल्पयन्नन् वयं मह नारायण भगवान् किल प्रमुचे पूजयति तद्वाः श्रोत्रत्वन्नुं वयः पहला अध्याय खत्म हो गया भगवान को चढ़ा देना इसे पांच अध्याय नारायण नरस्तभ्यं नरञ्चमितं नरस्वा देवी सरस्वती व्यासं तनुनिवेते एकदं विशरण्या मोहनकारि मोहनकारे नारायण तदनित्यं स्मरणश्चतुर्विधये एक समय के बाद अरण्य भूमि पावन भूमि में 88,000 ऋषि और 2,00,000 ब्राह्मण आने के बाद में एक दूसरे को कथा कर रहे थे। कथा कर रहे थे तब व्यास जी प्रभु है उनका जो एक शिष्य है सुत नाम का उसका आगमन हुआ को आके बैठ गए उन्होंने सबने उनको प्रणाम बैठने के लिए आसन दिया और पूछने लगे हे प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं। तब उन्होंने कहा मैं तीर्थाटन कर रहा हूँ
एक इस एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ से मतलब जाना यानी तीर्थाटन होता है। तब उन्होंने पूछा इतने लोग क्यों एकत्रित हुए, तो उन्होंने कहने लगे कलियुगी भयंकर नाम का सर्प है, कलियुगी भयंकर नाम का सर्प है, वो सर्प मनुष्य को काटता है और पाप मार्ग को लेके जाता है, पुण्य मार्ग में आना चाहिए, इसलिए हम यहाँ बैठ के कथा कर रहे हैं। मुझे जो कथा मालूम है मैं दूसरे को बोलता हूँ, दूसरे को जो मालूम है वो हमें बताते हैं। तब प्रभु की ये बात सुन के शुद्ध जी ने शुनक दिखने हाथ जोड़ के कहने लगे आप व्यास जी के शिष्य हमें भी कुछ कथा बताइए। तब इन्होंने कथा करने लगे, कथा क्या करने लगे तो इन्होंने कथा बोली। एक समय शुद्ध कहते हैं एक समय नारद जो नारायण नाम का उच्चारण करता है और आकाश भूमंडल में भ्रमण करता है, वो नारद भगवान घूम रहे, उन्होंने मृत्यु के लोक में देखा। मृत्यु का लोक यानी ये जहाँ जन्म को आते हैं मृत्यु को जाते हैं उसे मृत्यु का लोक कहते हैं। मृत्यु को लोक का देखते देखा तो क्या, किसी को खाने के लिए अन्न है, किसी के पास अन्न नहीं है, किसी के पास पानी है तो दूसरे के पास वो भी नहीं है। एक बड़ा धनवान है लेकिन उसको पुत्र नहीं है, पुत्र है लेकिन वो चैन से सोने नहीं दे रहे, और किसी के पास धन नहीं है लेकिन बहुत सारे पुत्रों की जन्म से उत्पत्ति है। ये देखकर नारद भगवान आकाश में रहने वाले विष्णु लोक में नारद जी विष्णु के पास गए, विष्णु सोए थे उनको जगाया और हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगे। हे प्रभु मैं आने का कारण बताता हूँ। तब प्रभु ने बोला नारद इतना दुख के अंतकरण से क्यों बात कर रहा है। तब उन्होंने कहा मैं मृत्यु लोक में गया था, उस मृत्यु लोक में किसी को बहुत सारे लोगों को दुख है, उस दुख से मुक्त होने के लिए कुछ तो भी उपाय बताई। तब इन्होंने एक सुंदर सी कथा बताई। प्रभु कहने लगे मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, ये मेरी कथा है, इसे सत्य नारायण नारायण प्रभु के नाम से कथा या सत्य नारायण की कथा कहते हैं। कथा करने के लिए समय काल यश किसी का देखने की जरूरत नहीं है, मन में आया कि आज कथा करनी है तो अपने आप मित्रों को बुलाकर सत्यनारायण प्रभु की कथा करनी। बाद में क्या करना है, कथा करने के बाद में भगवान का मंगल गीत गान करना है, मंगल गीत गान करने के बाद में प्रसाद को ग्रहण करना है। भगवान सत्यनारायण प्रसाद का क्या महत्व है, जो भी प्रसाद लेता है जिस कामना से लेता है उसकी कामना पूर्ण होती है, यानी जिसको पुत्र के हो ब्याह के हो या व्यापार वृद्धि को, तो जिस कामना से वो पूजा करता है उसे वो प्रसाद और फल मिलता है। प्रभु कहते हैं इस प्रसाद को बनाने के लिए गेहूं का आटा ना मिले तो चावल का अथवा मक्की का आटा लेकर उसमें शक्कर दूध घी डाल का प्रसाद बनाना चाहिए। प्रसाद आपकी इच्छा से सवा पाव किलो दो किलो पांच किलो आपकी इच्छा से जो भी मन में इच्छा हो वो तो इच्छा पूर्ति के लिए भगवान का पूजन और प्रसाद करना है। रात में रात के समय में क्या करना है, मंगल गायन करना है, दूसरे दिन ब्राह्मण को दान दक्षिणा धर्म करना है, अन्नदान करना है, दक्षिणा देना है और आशीर्वाद देना है। इस तरह से जो भी पूजन करता है उसकी सारी कामना मैं पूरा करता हूँ, ये बताया। नारद जी ने कथा सुन ली और भगवान को प्रणाम किया और वहां से निकल गए। इतने वाखंड है श्री सत्यनारायण कथया प्रथम अध्याय गुणावली सत्यनारायण भगवान की जय। आपको एक फिर से मैं कथा सुनाता हूँ। काशी नाम का एक दुर्गम नगर है,
ब्राह्मण को कोई पूजा पाठ को बुलाता नहीं था, दान दक्षिणा धर्म कोई करता नहीं था। ब्राह्मण दुखी अंत प्रेरण से कहने लगा, हे प्रभु, मेरा पूर्व जन्म पर क्या पाप है, मुझे आज भी अन्न नहीं मिला, घर में पानी पीते रहना मुश्किल है, प्रभु कृपा करो। तब नारायण प्रभु ने साधु का भी करा के उनके पास आए, कहने लगे, ये ब्राह्मण किस दुख अंतकरण से दुख कर रहा है। तब ब्राह्मण कहने लगा, हे प्रभु, मैं इस नगरी में ऐसा ब्राह्मण हूँ जो मुझे कोई दान दक्षिणा धर्म करता नहीं, आप कृपा करें। तब साधु कहते हैं, आपको मैं एक कथा सुना, इस कथा का नाम है कथा बताई। उन्होंने कथा सुन ली, कथा सुनी और साधु को प्रणाम किया। साधु लुप्त हो गए, यह देखकर मन में विचार हुए, साधु दिख नहीं रहे, अब क्या करना है। यह मन में विचार आया, मन में विचार आया और घर से तरफ निकल गए। सत चक्र को मन में बोलने लगे तो भगवान की दया से थोड़ा सा आटा और चावल भी, आटा चावल एक पास दे दिया और शाम की संध्या करते हुए पानी भी आए, सोए तो पेट में अन्न नहीं है, रात भर नींद आई नहीं। सुबह में भगवान का स्मरण करते हुए, स्नान संध्या करते हुए, भगवान के गांव में खान गुणगान करते हुए, मंगल गीत गाते हुए, भगवान प्रभु सत्यनारायण प्रभु सत्यनारायण प्रभु करते हुए गांव में घूमा। उस दिन ब्राह्मण को धन समृद्धि बहुत सारा अन्न घर पे लेके आया। प्रतिदिन उसको कहने लगा कि आज अपने को बहुत सारा धन मिला है, इस कारण से सत्यनारायण की कथा करें। शाम के समय में सत्यनारायण प्रभु की कथा करवाई, प्रसाद ग्रहण किया, मंगल गीत गायन करने लगा। उस दिन से वो ब्राह्मण हर पूनम को और हर पूनम के बाद में संक्रांति के लिए पूजा करने लगा। एक समय की बात है, उस नगर में एक लकड़हारा था। लकड़हारा ने लकड़ी तोड़ना है, सूखी लकड़ी तोड़ के उसको गड्ढा में लकड़ी तोड़ी, गांव में आया, पानी की प्यास लगी, ब्राह्मण के दरबार में लकड़ी डाल दी। अंदर आया तो भगवान सत्यनारायण की कथा चालू, ये देख के भगवान को प्रणाम किया, पूजन किया और प्रसाद ग्रहण किया। और ब्राह्मण को पूछा कि ब्राह्मण देवता, आप किस भगवान की पूजा कर रहे, सारा वृत्तांत बताया। तब उन्होंने वृत्तांत सुन लिया, बात कही, वृत्तांत सुन लिया, पानी पिया और सिर के ऊपर फिर से लकड़ी लेकर बेचने के लिए निकल गए। बड़े नगर में आया, लकड़ी लाने, लेकिन मन में विचार, मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं सत्यनारायण कथा कराऊंगा। लकड़ी डाल दी, लकड़ी चंदन की बन गई और ज्यादा पैसा मिल गया। प्रभु का पूजा का जो भी सामग्री होते हैं वो सामग्री लेके घर पे आया, मंगल गीत का गायन किया, सत्यनारायण की कथा करवाई। और उस दिन से वो भी लकड़हारा और पंडित जी हर पूनम को और संक्रांति के दिन पूजा करते हुए सारे धन यश को पृथ्वी लोक का सुख भोग के बाद में वैकुंठ लोक में वो चले गए। इतिरेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथया एतत्त्वय तृतीय अध्याय गुणावली सत्यनारायण महाराज की। सूत उवाच, सूत कहने लगे, आपको और एक मैं कथा सुनाता हूँ। कुलवामुख नाम का राजन था, राजन बड़ा धनवान और दानी। एक समय में उसके मन में विचार आया और उसने भद्रतीर नामक नदी के पास में सत्यनारायण की कथा करवाई। कथा कर रहा था उसी समय उस नगर में एक व्यापारी जो सोना चांदी जवाहरात बेचते हैं, वो व्यापारी था, वो निकल रहा था व्यापार करने के लिए। उसने देखा कि भगवान का पूजन चालू है, ये देखकर राजा के पास आया। राजा को कहने लगा, हे राजन, आप किस भगवान की पूजा कर रहे हैं। तब उन्होंने सारा वृत्तांत बताया, वृत्तांत सुन लिया, भगवान को प्रणाम किया, प्रसाद दिया और घर पे आए। घर पे आने के बाद में अपनी पत्नी को सारा वृत्तांत सुनाया और दोनों ने संकल्प किया, मुझे धन यश और पुत्र की प्राप्ति होगी तो हम भी सत्यनारायण कथा करवाएंगे। संकल्प किया, बाद में उस समय के बाद में
व्यापार करने के लिए व्यापारी निकल गया। यहाँ क्या हुआ, 9 माह पूरे हो गए, यानी 9 महीने साधु की जो पत्नी थी उसको पूरे हो गए। लीलावती को 9 माह पूरे हो गए। लीलावती के 9 माह पूरे होने के बाद में एक सुंदर सी बेटी का जन्म हुआ। बेटी चांद जैसे बढ़ता है वैसे बेटी बढ़ने लगी, तो इन्होंने कहने लगे अभी इसकी शादी करेंगे। शादी से पहले सत्यनारायण कथा करवाई। तब वो व्यापारी कहने लगा मेरी बेटी की जब शादी होगी तभी मैं सत्यनारायण कथा करवाऊंगा। ये कहकर वो बाहर निकल गया। बाहर निकल जाने के बाद में क्या हुआ, दोस्तों को कहने लगा कि बेटी की शादी करना है। हाथ के पीछे जो नौकर था उसको दूध कहा जाता है, दूध को आज्ञा दी और लड़की के लिए अच्छा वर देख के आओ ये बता दी। वो दूध बाहर से निकलकर कांचन नाम के नगर में एक सुंदर सा व्यापारी का लड़का देखा और उसको लेके उसके घर के पास आ गए। साधु वाणी के घर पे आने के बाद में 1 महीने की शादी हुई। 1 महीने की शादी, आज एक दिन की भी शादी नहीं होती, लोग नहीं चाहिए। 1 महीने में कितने लोग रहते। सत्यनारायण कथा करवानी थी वो भूल गया। भूलने के बाद में वो जमाई को कहने लगा कि व्यापार करने के लिए आप मेरे साथ चलो। दोनों व्यापार करने के लिए निकल गए। चंद्रकेतु राजा के नगर में आए, व्यापार करने लगे। दिन दिन व्यापार अच्छा होने लगा, लेकिन भगवान की अवकृपा हो। भगवान को बुलाए कि आपकी कथा करवाएंगे और वो की नहीं है। उस कारण से उस नगर में, राजा के नगर में चोरी हो गई। राजा के नगर में चोरी हो गई। चोरों को पकड़ने के लिए जो दूत रहते हैं, सैन्य रहते हैं, वो भागने लगे। भागते भागते उन्होंने देखा, चोरों ने देखा, अरे मेरे पीछे उस मकान के आगे द्रव्य डाल रहे थे, चोरी का जो भी सोना चांदी था वो डाल के भाग। भाग जाने के बाद में क्या हुआ, जो सैन्य थे उन्होंने आया और सैन्य ने देखा कि यहाँ सोना चांदी पड़ा है। देखा तो ये राज्य का ही है, इनको पकड़ के इनका सोना चांदी जवाहरात थे और इनको पकड़ के राजा के पास लाया। राजा को कहने लगे, राजन जी हम चोर नहीं है, लेकिन प्रभु की माया के आगे किसी का नहीं छुटकारा। इनको कारागृह में डाल दिया। व्यापारी के घर में धन यश समृद्धि थी, लेकिन व्यापारी मन में इधर बेटी और माँ पेट भरने के लिए घर घर भिक्षा मांगने लगे। एक दिन बेटी भिक्षा मांगते मांगते एक गांव से दूसरे गांव पर निकली। शाम का समय हो रहा था, पानी की प्यास लगी, इसलिए ब्राह्मण के घर के पास आ गई। ब्राह्मण के घर में आके देखा, प्रभु प्रणाम हो, आप किस भगवान का पूजन कर रहे हैं? पंडित जी ने सारा वृत्तांत सुनाया। लड़की ने पानी मांगा, पानी पिया, प्रसाद दिया और घर के तरफ लड़की खाने लगी। बहुत रात हो गई। माता के मन में यानी कथा लीलावती के मन में विचार आया, बहुत समय हो गया, रात होने लगी है, मेरी बेटी को किसी ने भगाया तो नहीं होगा, क्या हिंसक प्राणी ने तो मार डाला नहीं होगा। मन में नाना विचार आ रहे थे, तभी लड़की सामने से आई। अंधेरे में से लड़के आ रही है देखकर माँ बेटी के पास गई। बेटी को पूछने लगी तो सारा वृत्तांत तो सुनाया, कथा का वृत्तांत तो सुनाया, वृत्तांत तो सुन लिया और पूजा का वृत्तांत तो सुनते हुए भगवान का प्रणाम, भगवान को प्रणाम किया और पूर्व संकल्पित सत्यदेव की कथा करेंगे ये संकल्प किया। दूसरे दिन सत्यनारायण की कथा करवाई और भगवान का शुक्रिया मना था। भगवान की पूजा हो गई। यह देखकर भगवान ने चंद्रकेतु राजा के नगर में सपने में आके कहने लगे, हे राजन, तेरे घर में जो दो पकड़े हुए जो व्यापारी है उन्हें छोड़ दो, राज्य का मैं विनाश करूंगा। यह देखकर उनको दोनों को छोड़ दिया। अंतक काल में दोनों को छोड़ दिया। स्नान हो गया, मंगल स्नान होने के बाद में जितना भी सोना था लिया हुआ उनको दे दिया और फिर से सोना देके घर के तरफ जाने के लिए भेज दिया।
यात्रा में, यात्रा में कुछ विघ्न नहीं आना चाहिए, इसलिए उन्होंने मार्ग में नदी के पास में सत्यनारायण की कथा सुनवाई। जमात यानी अपने समाज के जो लोग थे उनको प्रसाद दिया और भगवान को प्रणाम किया। आपके पास आपकी नौका नदी के पास में आपकी नौका है? दोनों चिल्ला ने कह दिया, हाँ नदी के पास हमारी नौका है, आपकी नौका में क्या है? साधु पूछने लगे तो इन्होंने कहने लगे, आप सन्यासी हो, हमारी नौका से आपको लेना देना कुछ नहीं है, हमारी नौका में वेली पानी पत्रावली, जो पत्रावली बनाते हैं उसकी सामग्री है। झूठ बोला। प्रभु कहने लगे, तूने जो बोला है वही फल तुझे मिलेगा। यह कहते हुए आगे जाके बैठ, उनका भोजन हुआ। नदी के पास आए, देखा तो पानी में सोना चांदी हीरे जवाहरात कुछ नहीं, फूल है, पत्ते है। वो बोला जो है वो ये, मूर्छित हो गया। कुछ समय के बाद में जमाई को कहने लगा, जमाई जी झूठ बोले। उनके पास आए, क्षमा प्रार्थना मांगी, प्रभु ने उनका द्रव्य उनको दिया। आदमी मनुष्य शरीर में जब थोड़ा सा ही पैसा ज्यादा आ जाता है तो अभिमान से बोलते तो अभिमान हरण करने के लिए सारी क्रिया जो होती है वो नारायण करते हैं। दोनों ने प्रणाम किया, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा धर्म किया, नौका पे अरुण होए और घर के तरफ आने लगे। तीसरे वाखंड से सत्यनारायण क्या तृतीय अध्याय बोले सत्यनारायण स्वामी की जय। सूत वाचा, सूत कहने लगे, अब और एक मैं कथा सुनाता हूँ। चढ़ गए और घर के लिए आने लगे। घर तरफ आने आते समय वो कहने लगा, ये जमाई जी ये देखो मेरी रत्नसारपुरी नगरी, ये नगरी में मैं रहता हूँ। उनको बताया और घर के पास आने के बाद में जो हाथ के नीचे जो नौकर था उसको आज्ञा की, जाओ घर पे जाओ और उनको दर्शन के लिए बुला के ले गया। नौकर वहां से निकल के घर पे आया और प्रणाम करते हुए कहने लगा, आपके पति और जमा था दोनों नदी के पास आए, आपको पति दर्शन के लिए बुलाया। यह सुनकर माता पति दर्शन के लिए निकल गई। बेटी ने प्रभु का पूजन किया लेकिन प्रसाद ग्रहण किया नहीं। प्रसाद न ग्रहण करते हुए नदी के पास आके देखती है तो क्या हुआ, पति नहीं और नौका भी लुप्त हो गई। ये देख के मूर्छित हो गई। बाद में माँ के पूछने लगे, माँ कुछ अभी बचा नहीं है, पति नहीं है तो मैं जिंदी रह के क्या फायदा मेरा, तो अपने पति की चरण कमर यानी जो पल उसको पहले खड़ावा बोलते थे वो लेकर सती जाने लगी। सती जाने की पद्धत यानी पति के बाद में पत्नी जाती है, वो जाने लगी। जाते हुए आकाशवाणी हुई, बेटी तूने पूजन किया है लेकिन प्रभु का प्रसाद न ग्रहण किया, आप प्रसाद ग्रहण करके आएंगे तो आपके पति और नौका आपको मिल जाएगी। कहते हुए घर पे आई, प्रभु का पूजन किया, प्रसाद ग्रहण किया और नदी के पास आके देखा तो पति नौका दोनों ही जगह पे थी। यह देख के भगवान को प्रणाम किया, भगवान का पूजन किया। दूसरे दिन फिर से व्यापारी ने पूजन किया और उस दिन से व्यापारी हर पूनम को और संक्रांति के दिन सत्य कथा करने लगा और नारायण की कृपा से धन यश और कीर्ति को प्राप्त करते हुए यह लोक को सुख भोगते हुए भगवान विष्णु लोक को चला गया। गीतिरेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथया ए तत्व चतुर्थ अध्याय गुणावली सत्यनारायण स्वामी महाराज की जय। सूत उवाचः, सूत कहने लगे, आपको और एक में कथा बताता हूँ। अंगद ध्वज नाम का राजन था, राजन बलशाली प्रभुत्व था, दान दक्षिणा धर्म करता था। एक समय राजा हिंसक प्राणी की शिकार करने के लिए निकल गया। शिकार करते हुए मन में विचार आया, पानी की प्यास लगी, नौकर थे उनको भेज दिया,
नौकर आए नहीं, क्या करूं, पानी को तो प्यास ज्यादा लगी है, घर के तरफ जाएंगे। ये मन में विचार किया और घर के तरफ आने लगे। घर के तरफ आते हुए क्या हुआ, एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उसे जंगल में जो गौली लोग रहते हैं, गाय भैंस को चराते, उन्होंने जंगल में सत्यन प्रभु की पूजा की, प्रसाद ग्रहण किया, केले के पत्ते में प्रसाद लेके राजा को दिया। राजा ने प्रसाद को त्याग किया। प्रसाद को त्यागने से राजा को क्या दुख हुआ, राजा का जो राज्य था वो दूसरे राजा ने ले ली। 100 पुत्र थे वो मर गए। मन में विचार किया, आज सुबह से कुछ तो भी अघटित हो रहा है। जहाँ प्रभु का पूजन किया था, वहां आया, प्रणाम किया, प्रसाद ग्रहण किया और फिर से घर पे आया। घर पे आने के लिए जो पानी के लिए जो नौकर गए थे वो मिल गए, राज्य मिल गया। 100 पुत्र मर गए थे वो भी जिंदे हो गए। ये प्रभु की लीला से हो गया है, ये सुनकर उसने प्रणाम किया, प्रभु को प्रणाम किया, पूजन किया और पूजन करने के बाद में उस दिन से वो भी राजन हर महीने के पूनम को और संक्रांति के दिन पूजा करते हुए भगवान के लोक को चला गया। इस भगवान के अनेक नाम हैं, अनेक व्रत हैं। इस भगवान को कोई नारायण कहते हैं, कोई सत्यनारायण कहते हैं, कोई वरुद्ध देव कहते हैं, कोई प्रजापति कहते हैं, कोई सत्य प्रभु कहते हैं। ये अनेक नामों से भगवान की पूजा करते हैं। जो भी श्रद्धा अंतकरण से पूजा करता है उसकी सारी कामना भगवान नारायण पूरी करते हैं। मित्रेवा खंडे श्री सत्यनारायण ध्याम एक तत्व पंचमध्याय गुणावली सत्यनारायण महाराज की। देवलोक कल्पन्नय प्राणाय स्वाहा, कपणाय स्वाहा, व्याणाय स्वाहा, उदरे स्वाहा, समणाय स्वाहा, ब्रह्मणेभ्यो नमो नमः। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, सदंत दयावंत तारभुजाधारी सवारी। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जा की पार्वती। आख दे तो कोड़न को खाया, पांजन को पुत्र दे तो निरधन को माया। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश माता जा की पार्वती पिता माने। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड़ोन को भूख लगी सत्संग सेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जा की पार्वती पिता माने। दीनन को लाजर को शंभु सुत चारण आवे प्रभु तीन प्रभु। सफल बीज सेवा, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जा की पार्वती का महा देवा। ओम जया प्रभु सत्य नारायण, जय प्रभु सत्य नारायण, अखल प्रभु संकट अखल प्रभु सब संकट वारण हारी। ओम जय श्री सत्य नारायण, आरती मंगल सावन दीना, आरती करना तो प्रभु दीना।
मानो आप सत्य कथा प्रभु सत्य कथा सुनती रौरण पावतन सुबत पावन मंगल ओम जय सत्य नारायण स्वामी जय सत्य नारायण मंगल ओम जय सत्य भगवान का आरती आप आरती सबको आरती।